मैं चंद्रशेखर नायर, इस फिल्म का निर्माता निर्देशक, प्रणाम। इस देश में नदियां बहुत हैं, लेकिन नद यानी पुरुष नद बहुत कम है, क्वचित है। उनमें प्रमुख है आसाम का ये ब्रह्मपुत्र नद। भारत की नदियों में तैरती हुई नौकाओं को देखकर मन के अवचेतन स्तर पर से जो गीत प्रतिध्वनित होकर उभरने लगता है, वो भी इसी पूर्वांचल की लोक धुनों में से एक पर आधारित है। और उस धुन को पूर्वोत्तर भारत में जन्मे एक महान संगीत शिल्पी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से आज विश्व संगीत बना दिया है। वे महान संगीतकार थे श्री एस टी बर्मन। कुमार सचिन देव बर्मन भी इसी पूर्व अंचल के त्रिपुरा राज्य में जन्मे थे। विशाल ब्रह्मपुत्र के तट पर सदियों से बसा है असम राज्य की राजधानी का नगर गुवाहाटी। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है गुवाहाटी। महाभारत कालीन कामरूप की राजधानी प्रागज्योतिषपुर के नाम से विख्यात थी, वही आज का गुवाहाटी है। असमिया भाषा में गुवा का अर्थ होता है सुपारी और हाटी अर्थात बाजार, यानी सुपारियों की मंडी का शहर गुवाहाटी। यहीं नीलाचल पहाड़ी पर है विश्व प्रसिद्ध पुरातन मंदिर मां कामाख्या देवी का सिद्ध पीठ, जिसके दर्शनार्थी भारत के कोने कोने से आते हैं। पीढ़ियों से यहां बसे हैं साधक और सिद्ध पुरुष। ये भारत की गौरवमयी श्रद्धा परंपरा के जीवंत साक्ष्य हैं। यही अंबाड़ी के पास उत्खनन हुआ था और उसमें मिली थी ये प्राचीन मूर्तियां। भारत की सनातन संस्कृति के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं ये। और हम इस बार आपको इस फिल्म के फिल्मांकन के साथ साथ ले चलते हैं एक भाषा यात्रा पर। ये भाषा यात्रा उपत्यकाओं में बसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक यात्रा भी है, तो साथ ही साथ विराट हिमालय को अर्पित महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता का सजीव साक्षात्कार भी। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पूर्वांचल का सीमांत प्रदेश अरुणाचल, जिसको बहुत पहले भारत की स्वतंत्रता के बाद नेफा कहते थे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। हिमालय की चरण भूमि में संपन्न इस भाषा यात्रा को हमने नाम दिया है अरुणांजलि। ईटानगर नाम ईंट शब्द की व्युत्पत्ति से जन्मा है। इसका जीवित प्रमाण है 14वीं-15वीं शताब्दी में तत्कालीन नरेश द्वारा निर्मित उस विशाल ईंट दुर्ग के परकोटे के ये भग्नावशेष। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर की विभिन्न दिशाओं में आज भी ये ईंटें धरोहर के रूप में संरक्षित है। ईटानगर
ईटानगर में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत किया वर्षा की बौछारों ने। ईटानगर में कलात्मक महाद्वार है जिनके विषय में बारिश में भीगते भीगते हमारी चर्चा हुई स्थानीय व्यक्ति से हिंदी में ही। हिमालय की आयु लाखों वर्षों की है, फिर भी हिमालयन भूमि अभी भी कच्ची है। भूस्खलन रोज होता है और उसका निवारण भी। वर्षा का आनंद लेते लेते हमने किया अरुणाचल के विशिष्ट पशु पक्षियों का दर्शन। मिथुन के नाम से पुकारा जाने वाला ये पशु सिर्फ अरुणाचल में ही पाया जाता है। और ये है भौंकने वाले हिरण, जिन्हें अंग्रेजी में नाम दिया गया है बार्किंग डियर। ईटानगर में ही सौभाग्य से हमारी भेंट हुई हिंदी भाषी स्थानीय भद्र महिला से। मेरा नाम जारजू मेहते, मैं बचपन से अरुणाचल में ही पली बढ़ी हूँ। हमारे यहाँ पे 11 जिले हैं, वहाँ एक है उनमें से वेस्ट सियांग, जहाँ से मैं हूँ। हमारे मैं जहाँ जन्मे हूँ उसी जगह पे एक रामकृष्ण मिशन स्कूल है, वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ाए जाते हैं। लड़कों के लिए बोर्डिंग अरेंजमेंट है, तो वहीं से पढ़ी हूँ। अच्छा, और आप क्या करती हैं? वैसे शादी के बाद ईटानगर में 1980 से हूँ, तब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। श्रीमती जारजूम एटे उत्साही उद्यमी महिला हैं। उनके मुद्रणालय में हमने देखा कि सारा काम स्त्रियां ही करती हैं। श्रीमती एटे अरुणाचल की अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं और सक्रिय रूप से सेवा कार्य भी कर रही हैं। उसके बाद देखा ईटानगर में हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, उस समय एक कोई मोटर गैरेज नहीं थे, तो हमने एक मोटर गैरेज के वर्कशॉप खोला। उसके बाद उसी में एक एक्सपेंशन किया फैब्रिकेशन का। अभिनंदन है, आप महिला उद्यमी है, तो सारे भारत के लिए आप में एक उदाहरण है। अरुणाचल में वैसे 11 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेजर ट्राइब्स तिराप में नोक्ते वांचो, चांगलांग में थांगसा, लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिसमीज खामतीज, दिबांग वैली में हुए इदु मिसमीज, दिन ईस्ट सियांग में आदि, ज्यादातर अधिकतर आदि लोग हैं, उसमें पासी है, पादाम है। अरुणाचल हमारे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सीमांत प्रदेश है। अरुणाचल के सीमा पर तिब्बत है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूटान, तिब्बत, चीन और उसके
दक्षिण में है हमारे असम, तो यहाँ हमारे अरुणाचल में 1991 के सेंसस के मुताबिक 8.5 लाख लोग हैं और हमारे अरुणाचल में 26 जनजाति हैं मेजर। वैसे तो 113 छोटे छोटे जनजातियों को गिनते हुए 113 के करीब है और हमारे यहाँ उतनी ही बोलियाँ हैं और लिपि कोई नहीं। यहाँ पे तिब्बत, अच्छा तिब्बतन, वो हमारे तवांग मनस्वी वगैरह में उनके यहाँ भेंट हुई ईटानगर के उपनगर में बसे आपातानी जनजाति की बस्ती के निवासियों से। इन लोगों से हिंदी में ही बातें करते करते हमने देखा कि प्रत्येक घर के सामने है अनिष्ट निवारक एक एक चौड़ा। वत्सल आपातानी माताएं अपनी पीठ पर ही शिशुओं को बांधकर गृहस्थी के काम निपटाती हैं। इस नदी से जुड़ी जनश्रुतियों को श्रीमती जारजूम से सुनने के बाद भेंट हुई अरुणाचल राज्य के समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री श्री डेरा नाटुंग जी से। अरुणाचल प्रदेश जो इंग्लिश में कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, उसको पहले नेफा कहता था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। जो जब जो ब्रिटिश रिजिम था उसी समय में हमारे यहाँ बहुत खमची ध्यान देता था और जहाँ तक डेवलपमेंट का बारे में है यहाँ बहुत खमची ध्यान देता था। लेकिन जब हमारा भारत स्वाधीनता हुआ तब भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान देने शुरू किया है। लेकिन हमारा यहाँ एरिया जो है बहुत बड़े हैं और पहाड़ है। हमारे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेटो है जिसे जीरो वैली प्लेटो कहते हैं, वहाँ के जनजाति है आपातानी। तो इस आपातानी जनजाति के जो स्त्रियाँ हैं एक ज़माने में उनकी एक गोदना करते थे, तो ऐसे माना जाता है कि उनकी जो लड़कियां थी बहुत सुंदर हुआ करती थी, अब भी है वैसे। तो इनकी लड़कियों को बाहर से लोग आके उठा के ले जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि लड़कियों के नाक नक्श जो है पूरा बिगाड़ के रख दिया, गोदना लगाया, एक नाक में बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े वो सब लगा के उन लोगों को विकृत कर दिया ताकि बाहर वाले उन पर नजर न डालें, उनको उठा के न ले जाएं। उनकी सुरक्षा के लिए कहने को जाए तो उनको एक विकृत रूप धारण करना पड़ा। अभी वैसे सरकार ने उसकी मनाही कर दी है। अरुणाचल की वन्यश्री कदम कदम पर मन मोह लेती है। फिर हम गए अरुणाचल के राजभवन में जहां महामहिम राज्यपाल उड़िया भाषी श्री सुरेंद्रनाथ जी द्विवेदी के दर्शन हुए। आदरणीय श्री द्विवेदी देश के स्वातंत्र संग्राम के तपोपूत अग्रगामी सेनानी रहे हैं और दीर्घ त्यागमयी देश सेवा में रत हैं। उन्होंने हमें बताया, हम हिंदी भाषी नहीं हैं, लेकिन हिंदी प्रेमी हैं और मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं जिस इलाके के गवर्नर हूँ वहाँ करीब करीब सब लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी में अपने बीच में बात करते हैं। इसका स्थिति ऐसा है
कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 26 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और खेद की बात है उनके अंदर जो डायलॉग चलते हैं अपने भाषा में जो बातें करते हैं, अभी तक उसका कोई रिटन या कोई भाषा में परिणत होने माफिक कुछ कोशिश नहीं किया गया है। यहाँ ऐसे कोई लिपि नहीं है। बौद्ध धर्म के मानने वालों ने तिब्बतन जो लिपि है वो अपनाया, अन्यथा हम लोग रोमन स्क्रिप्ट है जो यूज करते हैं नॉर्मली बाकी जनजातियों में। दूसरी बात यह है कि जो डायलॉग एक कम्युनिटी करती है दूसरे कम्युनिटी भी उसको समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह। तो जितने डायलॉग चलते हैं ये सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक योग सूत्र है जो हर एक कम्युनिटी समझती है, वो योग सूत्र है हिंदी भाषा। और कहने को जाए तो हम लोग की जो बोली है उसके लिए देवनागरी स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो संस्कृत से कुछ मतलब? संस्कृत से तो नहीं, जैसे अंग्रेजी में हम लोग जो हमारे ट्राइब में नो मतलब मैं, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं NGO, जबकि हम हिंदी में सीधे लिख सकते हैं गो, गो में ओ का मात्रा, बस हमारे लिए सुविधा रहता है। वो अपने अंदर बाहर आए, मार्केट में जाएं, जहाँ पर जाएं, और बच्चे लोग मैं देखता हूँ जब खेलते हैं कूदते हैं मेरे सामने, मैं देखता हूँ कभी वो अपने अंदर हिंदी में भी बात करते हैं। इस सत्य की साक्षी भी हमें मिली। असिस्टेंट क्यूरेटर जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय ईटानगर। दोस्तों ये क्या है? ये संकेत भेजने का ढोल है। ये अरुणाचल का नुक्ते उपजाति का लोग डिस्ट्रिक्ट जिला का है और उसको इस्तेमाल करके संकेत भेजता है। यह देखिए एक विक्षोभ खोखला करके ये इस डांडी को इस्तेमाल करके वो संकेत भेजता है। ऐसे ये मतलब बेतार का तार वाला? हाँ। वाह अभिनंदन। चलिए दूसरी चीज दिखाई। ये जी देखिए ये थमती स्क्रिप्ट है, ये अन्य बुद्धिस्ट है, ये स्क्रिप्ट बार्मीज स्क्रिप्ट है, ये पाली लैंग्वेज में उसको ये किया। अरुणाचल में जो बुद्धिस्ट है वो आदमी वो स्क्रिप्ट यूज करता है, जैसा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो मोनपा है बुद्धिस्ट है वो इस्तेमाल करता है। अरुणाचल प्रदेश का पश्चिम जिला में बैठे है मोनपा लोग ये चाल जो कुटने का समय में ये इस्तेमाल करती है। ये मशीन में इस तरह पानी डालने का तरीका है, और ये पानी डालने का बाद ये ऐसा 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 सब नजर कुआ नजर उठे कांग मोना दे नीचे गजो है ऊपर में सिंह है। ये 13-14 शताब्दी का है, ये अरुणाचल का है, ये अरुणाचल का पश्चिम सियांग डिस्ट्रिक्ट से मिला है खुदाई करने के बाद में। संग्रहालय के अधिकारी श्री घोष की वाणी में बंग माधुर्य मिश्रित हिंदी का रूप जो कि पूर्वांचली रूप है हमारे मन को भा गया। ये द्वार स्तंभ है, ये मालिनी थान मंदिर से मिला है, ये पश्चिम सियांग जिला का है, यहाँ 13-14 शताब्दी का है। ये विद्याधर है, ये मालिनी थान मंदिर से मिला है, ये पश्चिम सियांग जिला का है, यह 13-14 शताब्दी का है। तो अरुणाचल में ऐसे यहाँ बहुत से सारे ट्राइब्स हैं और यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन
ये संस्कृति है, यह हर ट्राइब के लिए उसका एक आइडेंटिटी है। यहाँ बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज अपने अपने हैं। ये गेहूँ पीसने का चक्की है, ये अरुणाचल का मनपा उपजाति लोग इसको इस्तेमाल करता है। यह पानी संग्रह करके रखता है, जब तक तो जरूरत पड़ता है ये भाल को खोल के पानी को निकालता है। ये पानी शक्ति इसको एक चक्रा को घुमाता है और वह गेहूँ को रखता है, ये पीसता है। ऐसा स्टेट है जो सबसे महत्व रखता है, महत्व रखता है इसीलिए कि करीब एक तिहाई जो सीमांत है वो विदेश राज्यों के साथ बंधा हुआ है। यहाँ पर ही चाइना आके आक्रमण किया था चीन देश। ये जो ध्वंसावशेष है ये विजयनगर विष्णु नगर से मिला है, ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एवं चांगलांग जिला का अंतर्गत है। ये 16-17 शताब्दी का पुराना है। यह महाभारत का जो विष्णु राजा है उसको प्लेस भी यहाँ मिला है, कुछ एविडेंस भी यहाँ मिला है। इन अवशेषों में पुरातन भारत की सदियों पुरानी विस्तृत संस्कृति प्रसार का साक्षात प्रमाण मिला। ऐसे प्रदेश में हम लोग जो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ नियुक्त हुए हैं इनकी सेवा करने के लिए, इसमें हमारे मुख्य तौर से भारतीय स्टेट बैंक हैं, या जैसे हमारे ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विद्यालय हैं, सर्वेक्षण हैं विभिन्न, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से कैसे इस प्रदेश के विकास के लिए हम जन साधारण तक पहुंचते हैं और उन तक पहुंचे, उन तक पहुंचने का कौन सा माध्यम उचित होगा। तो ये देखने में आया है कि हर व्यक्ति को अगर हम हिंदी में बोलते हैं या हिंदी में पत्र लिखते हैं या हिंदी में समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन अगर वही चीज अगर हम अंग्रेजी द्वारा कहते हैं तो उनको समझने में थोड़ी सी रुकावट होती है। मैंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त मामगाई, इनके सारगर्भित भाषण ने अरुणाचल में हिंदी की उज्जवल स्थिति को प्रकाशित किया। हमारे दृष्टि से बहुत ही अनुकूल नहीं थी। हम लोगों ने सबने मिलकर के हिंदी शिक्षण योजना को आगे बढ़ाया। सब कार्यालयों से प्रार्थना की कि आप लोग अपने सदस्यों को इसमें इन कक्षाओं में शामिल कराएं, उनको हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, और साथ ही जो हम लोगों की ये अर्धवार्षिक बैठक होती है इसमें अपनी समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपकी सारी समस्याएं हमने भारत सरकार को पहुंचाई, आपके प्रयत्न और इन लोगों के सहयोग से आज आपकी इस संस्था को प्रथम पुरस्कार जो मिला है उसके लिए मैं इन सबका बहुत आभारी हूं। 29 मई 1992 गुवाहाटी असम के रविंद्र भवन में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। संपूर्ण पूर्वांचल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुरस्कार ईटानगर समिति के अध्यक्ष श्री मामगई को प्रदान किया गया। अभी आप लोगों ने जो डांस देखे हैं वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के तिराप डिस्ट्रिक्ट के एक ट्राइब है नोक्ते, उन लोगों के एक फेस्टिवल होते हैं चालो लोको, ये डांस उस फेस्टिवल में नाचे जाते हैं। ये कौन से महीने में होता है? नवंबर के महीने में होता है। और फेस्टिवल को क्या कहते हैं? चालो लोको। तो ये सब नृत्य जो है उसमें आपका नाम क्या है? मिस्टर निसकी। और आपका?
मिस जखोन लामा। आप अरुणाचल के किस जिले के? मैं अफार सुबनसिरी की हूँ। और आप? थिरप। इन्हीं के आप थिरप? अच्छा, आप किस जिले के? मैं, मेरा नाम रोदे करसो। और आपका? आपका? मामिन लोलिन। आपका क्या नाम है? शेरिक रंगे। अच्छा, और आपका क्या नाम है? ये तो लोग। और आपका? सगुल लगा। आपका? वही नुताली। अच्छा अच्छा, आप लोग हिंदी बहुत अच्छे, कहाँ से सीखी आपने? यहाँ तो अरुणाचल में चलते है ये सब। अच्छा। और हम लोग भी पढ़ते भी है। कहाँ पढ़ते हैं? तो यही विद्यालय में होते हैं। अच्छा, विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय में। और मतलब यहाँ सब लोग? सब लोग है। यहाँ तो काफी ट्रिप का है, बिहार का है, यूपी का है, और बहुत सा ये है, तो उन लोग से हम लोग सीख लेते हैं। कहने को जाए तो अलग अलग गाँव में बोली अलग अलग हो जाती है। फिर मेजर ट्राइब्स के बीच में जो कुछ मेजर ट्राइब्स है, जैसे आदि है, निशी, अपातानी, ये तीन मेजर ट्राइब्स है अरुणाचल के, जिसकी बोलियाँ कुछ जिसमें मेल जोल थोड़ा ज़्यादा है। तो इन तीन ट्राइब्स को छोड़ के, जाति को छोड़ के, बाकी में जो है, जैसे कमेंग के हुए, फिर तिराप के हुए, उनके साथ अधिकतर हिंदी में हम लोग बोलचाल करते हैं। 1947 में यहाँ करीब दो प्राइमरी स्कूल थे जो सारे नेफा में, लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत, यहाँ एक यूनिवर्सिटी है और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट है, और करीब चार कॉलेजेस हैं और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है। अभी इस स्कूल्स में सेकेंड लैंग्वेज जो है मैट्रिक तक तो कंपलसरी है, तो चूँकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो CBSE के साथ एफिलेटेड होने की वजह से हिंदी मैट्रिक तक कंपलसरी है। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी, रुचि भी लेते हैं। हमारे सरकार अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में, हर जगह में स्कूल्स हो, और हमारे जितने जनता जो है शिक्षा मिले। कोष्टक के शब्दों को बदलिए और उसके अनुसार वाक बनाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक वाक इसमें दिया हुआ है, माँ घर में खाना बना रही है। इस वाक के नीचे कुछ शब्द लिखा हुआ है, जैसे चावल, चाय, मिठाई, डोसा। इन शब्दों केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का ईटानगर स्थित नियमित हिंदी वर्ग। चावल से जैसे हम लोग क्या वाक बना सकते हैं? माँ घर में चावल बना रही है। अब बताइए साहबजान साहब, चाय से हम लोग क्या हो सकता है? माँ घर में चाय बना रही है। बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। इसके बाद आप बताइए राय साहब। माँ घर में डोसा बना रही है। बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। लेखक में बचपन से प्रेमचंद जी है, भारतेंदु जी है, और वैसे कवियों में हमारे महादेवी वर्मा जी के हैं, गुप्त जी के हैं, हाँ, जयशंकर प्रजा जी के भी पढ़े हैं, और लेखकों में अज्ञेय के भी हैं। अज्ञेय पढ़ा था। अच्छा, और आपस में किस भाषा में बात करते हैं? तो आपस में हिंदी से चलते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब अरुणाचल के एक ट्राइब को अगर दूसरे ट्राइब से बात करना है तो हिंदी में? हाँ, हिंदी में। मेरा नाम टॉमियट है। मिस्टर टॉमियट जी, आप यहीं कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं क्या? मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, कहाँ? अरुणाचल PWD। अच्छा, अरुणाचल PWD। किस पद पर हैं आप? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। अच्छा, काफी वरिष्ठ पद है, बहुत जिम्मेदारी भरा हुआ पद है। तो क्या मतलब, आप इंजीनियर हैं? जी जी, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग डिग्री कहाँ से हासिल किया आपने? गुवाहाटी असम इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा अच्छा, आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, और कौन कौन सी भाषाएं बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत बंगाली भी बोल लेता हूँ और असमीज भी बोल लेता हूँ। बंगाली कहाँ सीखी आपने? बंगाली बंगाल में। अच्छा, आप बंगाल में थे? जी। कहाँ? पुरुलिया में। पढ़ाई जी कहाँ पर? किस पुरुलिया सैनिक स्कूल में मैं स्टूडेंट था। आजकल के ये वीडियो कल्चर जो है उससे भी है, एक तो फिल्म मैगजीन्स जो हमारे बाकी नेशनल मैगजीन्स वगैरह हिंदी के। आपका नाम? जनाब को गौतम कहते हैं, गौतम सोरा। फिलहाल मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का हूँ। जब मैं सकुलिया कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर अपने दोस्तों से जिक्र किया करते थे फिल्मों के बारे में, तो जो मेरे दोस्त थे वो लोग मेरे पर हंसते थे और मजाक करते थे
क्योंकि अरुणाचल के लिए फिल्म एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये देखिए, दुनिया में हर चीज जो है ना ऐसे ही है, पहले उसका विरोध होता है, फिर उसका मखौल उड़ाया जाता है और बाद में स्वीकार कर ली जाती है। हम ये आशा रखते हैं कि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे और अपनी फिल्में बनाएंगे। अभिनंदन, धन्यवाद, प्रणाम। या स्कूल में हमारे यहाँ सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, फिर जैसे इंटीरियर्स में हमारे यहाँ पे SSB है, पहले जमाने IT भी हुआ करते थे, असम राइफल्स, देन आर्म फोर्सेज जो है आर्मी वाले, इन लोगों के साथ संपर्क होने के वजह से भी हिंदी का काफी प्रचलन है यहाँ पे। चंद्रशेखर जी, इनसे मिलिए, श्री ए पोन्नुस्वामी, कार्यभारी कमांडेंट है 24 बैटालियन CRPF के। नमस्कार, अपनी गतिविधियों के बारे में बताइए। मैं 24 बैटालियन CRPF में काम कर रहा हूँ। हमारा बैटालियन अभी फिलहाल अरुणाचल में डिप्लॉयड है, यहाँ पे हम स्टेट पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करते हैं। अरुणाचल में हम काफी इंटीरियर में डिप्लॉयड हैं और कुछ एक जगह हमारा जवान करीब 10 दिन भी पैदल करना पड़ता है। कई जगह ऐसा है जहाँ पे हमारा जवान को एयर ड्रॉपिंग में रेशन करते हैं, फिर भी हमारा जवान खुश है, हर जगह पे बहुत अनुशासन के साथ काम करते हैं, लोगों को प्यार और लोगों को विश्वास को कायम किए हुए। अरुणाचल एक पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश है जिसकी सीमाएं कई प्रांतों से, कई देशों से मिलती हैं। यहाँ के जनजाति के लोग कई भाषाएं बोलते हैं लेकिन उनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, फिर भी हिंदी ने इन सबको एक सूत्र में बांध दिया है। हिंदी की लिपि यहाँ की प्रारंभिक पाठशाला के कार्यक्रम में है और मैं समझता हूँ कि आगे चल करके यहाँ जो दो भाषाएं मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी, माध्यम हिंदी है। हिंदी सबको जोड़ रही है और हर जनजाति का व्यक्ति एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से हिंदी में बात करता है। ईटानगर में स्थित स्टेट बैंक का प्रादेशिक मुख्यालय। मेरा नाम दिलीप रंजन गुहा, मैं अरुणाचल प्रदेश की 42 शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। ये हिंदी का जो शिक्षा हमारा ऑफिस में हुआ था, इसमें हमारा 10% पार्टिसिपेशन था। ये काफ़ी लोग इंटरेस्ट लिए हैं, मैं भी उन लोग को मदद दिया, प्रेरणा दिया है, जो जो वो लोग हिंदी अच्छे से सीख सके। जो 42 शाखाएँ हैं इसमें जब हिंदी का प्रयोग के लिए सब ब्रांच में भी लोगों, हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में लोगों को प्रेरणा देते हैं, या लोग प्रचार भी हिंदी में करते हैं, तो इससे हम लोग को कोई कोई ब्रांच में हम लोग टाइपराइटर भी, हिंदी टाइपराइटर लोगों को दिए हैं, जब जरूरत हो टाइपराइटर भी यूज़ करते हैं। और अपना मैं भी हिंदी में पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और घर में भी हिंदी का प्रयोग काफ़ी है। और हमारा फोर्स की एक बहुत बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय एकता है उसको हमारा देशवासियों के लिए एक नमूना है। हमारा बल में, हमारा फोर्स में सभी धर्म की, सभी भाषा बोलने वाले, सभी जाति, सभी स्थानीय से लोग इकट्ठा मिलकर काम करते हैं और यही हमारा शक्ति है। इसी शक्ति को कायम रखने के लिए हम हमेशा जवान को ट्रेनिंग देते हैं और इसी शक्ति के साथ जो भी प्रॉब्लम सामने आता है हम हल करते और फेस करते हैं और देश की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। अभिनंदन। ये परशुराम कुंड है हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट में, तो मकर संक्रांति के दिन आपके 13 या 14 को, उस दिन भारत के अन्य प्रांतों से जो आपके हिंदू धर्म को मानते हैं वहाँ जाते हैं, अपने गंगा स्नान जैसे आप लोग गंगा में करते हैं, यहाँ कुंड में भी लोग धोने आते हैं, अपने पापों को प्रायश्चित करने शायद आते हैं। संस्कृति एक ही है, हिंदी संस्कृति हम लोग जो कहते हैं, भारतीय संस्कृति, ये इधर चलती है, लोगों के दिल में भरा हुआ है। भारत के अन्य प्रदेशों में जैसे होली खेलते हैं वैसे यहाँ भी खेले जाते हैं, फिर भी यहाँ के जो जनजातियों में फेस्टिवल है, पर्व है, में अधिकतर हमारे बुवाई कटाई के साथ जुड़े हुए हैं। इस कलाकृति को देख के ऐसा लगता है मानो कलाकार ने इस
पुराने ड्रिफ्टवुड को, जो कि संभवतः किसी पुराने पेड़ की जड़ है, को अपनी कल्पना के सहारे तराश कर भारत माता के साथ पूर्वांचल के सात राज्यों के प्रतीक में सात बहनें, बहनों के रूप में ये सात नारियां और भारत के मानचित्र को दिखाने की कोशिश की है। जैसे हमारे वेस्ट सियांग जिले में अप्रैल महीने के 5 तारीख को एक पर्व मनाए जाते हैं बुआई से पहले, इसे मपिन कहते हैं। जैसे आप होली के त्यौहार में गुलाल वगैरह से खेलते हैं, हमारे यहाँ मपिन के समय चावल के गुड़े बनाते हैं, उसे पानी में भिगो के एक दूसरे के ऊपर जैसे गुलाल लगाते हैं, ऐसे भाई बहन माँ पिताजी जैसे भाभी देवर जो भी है, आप तो मेहमान भी है जो भी है, हर किसी के साथ ये परपुटाए होते हैं। हमारे यहाँ अरुणाचल में 1975 को जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्टेटस दिया है, तब से हमारे यहाँ के जो प्रोग्रेस जो है बहुत फास्ट हुआ है, और 1987 में हमको स्टेटहुड मिला है। स्टेटहुड मिलने का बाद हमारे जो जमेदार जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी बढ़ गए हैं, और यहाँ तक जो फ्यू डेकेड्स में जो हमारे यहाँ स्टेट्स में जो प्रोग्रेस हुए हैं, ये बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और अभी हमारे यहाँ जो लिटरेट परसेंटेज है अबाउट 40%, जो 1971 में यहाँ की आपको 11% का हमारे जो लिटरेसी रेट जो है परसेंटेज है, लेकिन अभी जो है इस 1991 में अबाउट 40%। भारत विश्व के पुरातनतम देशों में अग्रणी है। सदियों से भांति भांति की जातियां, भांति भांति की बोलियों को बोलने वाले लोग, जनजातियां भारत में आती रही हैं और यहां बसती रही हैं। सदियों से आ रही इन भाषा संस्कृतियों को आत्मसात करके ही विशाल भारत की आज की अपूर्व संस्कृति सभ्यता बनी है और आज भी बन रही है। ये सत्य साकार हो हमारे समक्ष उपस्थित हो गया यहां अरुणाचल में। भारत की एकता ही भारत की शक्ति है और उस शक्ति की वाणी है हिंदी, जिसे अरुणाचल ने जिस स्नेह से अपनाया है, उस स्नेह को हमने अरुणाचल से विदा लेते हुए मन ही मन भावभीना प्रणाम किया। प्रणाम अरुणाचल, प्रणाम, जय हिंद। धन्य कलिका, धन्य नर तनु भाव, धन्य जन्म भारत वरिषे, धन्य जन्म भारत वरिषे।